हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे भारत, भूटान और चीन त्रिकोण जो बना हुआ है, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि संदर्भ में अभी इसे लिखा गया है, इस आर्टिकल को, वर्तमान मुद्दा क्या है उसे भी देखेंगे, सप्तेंग वन्यजीव अभयारण्य ये भी चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में भी जानेंगे, भारत भूटान के क्या संबंध है उन्हें भी देखेंगे, भारत के लिए भूटान का आखिर महत्व क्या है, इतना हम लोग उसे महत्व क्यों देते हैं भूटान को, क्योंकि वो हमारे लिए किस लिए जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे, भारत भूटान के बीच सहयोग के जो क्षेत्र थे उस पर भी बात करेंगे, भारत भूटान व्यापारिक परिदृश्य देखेंगे, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन के बारे में भी जानेंगे, आध्यात्मिक कूटनीति और भूटान पर चीन की नजर आखिर क्यों है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैप्स की तरफ और वहां देखते हैं भूटान की स्थिति, चीन और हमारे भारत की स्थिति। यह है हमारी प्यारी पृथ्वी, यहाँ है हमारा एशिया, एशिया में हमारा प्यारा भारत, यह है हमारा प्यारा भारत, यहाँ आप देखेंगे नीचे आपका श्रीलंका है, इसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। ये आपका चाइना है, इसकी राजधानी बीजिंग है, और ये है आपका भूटान। भूटान से हमारे कितने राज्य की सीमा लगती है, अगर इसके बारे में जाने हम लोग, देखिए इससे सिक्किम की सीमा लग रही है, यहाँ दिख रही होगी आपको, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सीमा आपको यहाँ लगती दिख रही है, यहां तक आपका आपका पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगती है भूटान की, और फिर आपकी असम, ये आपका असम है नीचे, तो असम से भी भूटान की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है जिसे लेकर चाइना विवाद करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, तो इसकी भी सीमा भूटान से लगती है, यानी कि चार राज्यों की सीमा आपकी भूटान से लगती है। हाल ही में चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए भूटान की पूर्वी सीमा पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। याद रखिए, अभी वर्तमान में बात करूं तो 13-14 देशों से सीमा लगती है चाइना की, और लगभग लगभग हर देश से इसका विवाद चल रहा है, क्योंकि एक समय आप देखते थे कि अंग्रेज जिस तरह से विस्तारवादी नीति अपनाते थे, वही रूप आज किसने, चीन ने भी ले लिया, चाइना ने, वो भी आज वही उन्हीं नीतियों पर चल रहा है, उन्हीं के कदमों पर। चीन के द्वारा इस दावेदारी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग क्षेत्र को लेकर भी पेश की जा रही है। चीन ने अपने विस्तारवादी मानसिकता के कारण ही सभी पड़ोसी देशों के मन में स्वयं के प्रति अविश्वास व संदेह की भावना उत्पन्न कर दी है। चीन के विपरीत भारत ने सांझी संस्कृति, सांझी विरासत और आपसी समन्वय के बल पर भूटान के साथ विश्वास की एक मजबूत नींव स्थापित है। भूटान के साथ सदियों से भारत के मधुर संबंध रहे हैं, वह भारत के निकट सहयोगी भी रहा है, तथा पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी काफी प्रगति देखने को मिली है। पिछले कई दशकों से भूटान के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का एक स्थायी कारक रहा है। साझा हितों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग पर आधारित अच्छे पड़ोसी के संबंधों का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इस बात का प्रतीक है कि दक्षिण एशिया की साझा नीति, यही कारण है कि आज परिपक्वता, विश्वास, सम्मान, आपसी सूझबूझ तथा निरंतर विस्तृत होते कार्यक्षेत्र में संयुक्त प्रयास भारत भूटान संबंधों में की विशेषता है। याद होना चाहिए आपको कि चाइना एक बहुत बुरी तरह से सभी देशों को प्रभावित कर रहा है। क्या करता है कि कई राज्य इससे जो दूर है देश, इससे सीमा लगती है जिन देशों पर, वहां तो अपना कब्जा दबदबा रहा है, और साथ ही जो अन्य देश हैं जो इससे दूरी दूर से हैं, इससे जो उनकी सीमा नहीं लगती है, जैसे आप चाइना ले सकते हैं, आप पाकिस्तान ले सकते हैं, आप ईरान ले सकते हैं, आप अफगानिस्तान ले सकते हैं, तो इनको क्या कहता है कि इतना ब्याज दे, इतना ऋण दे देता है कि ये कभी चुकाने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं, यानी कि चुका भी नहीं पाते, उसके चुकाने ब्याज चुकाने के लिए इन्हें उसी से ऋण लेना पड़ता है, तो साहूकार जैसी स्थिति होती है कि एक साहूकार नहीं किसानों को उतना ऋण दे देता था कि वो किसान नहीं चुका पाते थे, उसके बाद उनकी जमीन हड़प लेते थे, तो यही कर रहा है चाइना आपका।
वर्तमान मुद्दे की अगर बात करें, क्या है आखिर वर्तमान मुद्दा? चीन के द्वारा भूटान की पूर्वी सीमा पर अपनी दावेदारी पेश की गई है। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह भूटान की पूर्वी सीमा किसी भी स्थान प्रकार से चीन के साथ सीमा साझा नहीं करती है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नेतृत्व में आयोजित होने वाले वैश्विक पर्यावरण सुविधा सम्मेलन में भूटान के संगतेंग वन्यजीव अभयारण्य को विवादित क्षेत्र बताते हुए चीन द्वारा उसे प्राप्त होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुदान का रोकने का असफल प्रयास किया गया है। यानी कि यहां भी उसने बाजी लगा दी। सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य, सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 2003 में की गई थी। यह अभ्यारण्य भूटान के सुदूर पूर्वी भाग में त्रासी गंग जिले में अवस्थित है। यह उत्तर और पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा भी साझा करता है। यह वन्यजीव अभयारण्य लगभग 740.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से रेड पांडा और हिमालयी मोनाल तीतर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रोंज का फूल बहुतायत में पाया जाता है। याद रखिए, इससे आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पूछ लेगा कि जो अभी जो भूटान का यानी कि जो आपका अभ्यारण्य है ये सत्येंग वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है स्पेशल? जैसे रेड पांडा हो गया, हिमालयी मोनार मोनाल, बुरुंस का फूल, ये सभी इस तरह से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। पूर्व में वर्ष 1984 से चीन व भूटान के मध्य लगातार वार्तालाप के 24 दौर आयोजित किए गए, परंतु अभी कभी भी चीन ने भूटान की पूर्वी सीमा का मुद्दा नहीं उठाया। ध्यातव्य है कि भूटान की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के साथ स्पर्श करती है। अतः चीन की यह नई चाल भूटान ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों की अगर माने हम लोग तो उनके अनुसार चीन के द्वारा भूटान की पूर्वी सीमा पर दावेदारी दबाव बनाने की रणनीति है, जिसके अप्रत्यक्ष लाभ उसे डोकलाम क्षेत्र में अपनी दावेदारी को मजबूत करने पैकेज समाधान के रूप में मिल सकता है। विदित है कि भूटान व चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र, जाकरलुंग क्षेत्र और पासमलुंग क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। देखिए यह आपको क्लियर दिख जाएगा। ये आपका डोकलाम जिस 2017 में देखा गया था, तो यहाँ आपका झाकरलोंग, ये है आपका पासम लोंग, ये सभी तीनों क्षेत्र की बात की जा रही है। भारत भूटान की घनिष्ठ संबंधों की अगर हम बात करें, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारकों के आधार पर भारत एवं भूटान के संबंध सबसे प्राचीन काल से ही अटूट रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत भूटान के बीच संबंधों में अधिक प्रगाढ़ता आई है। सन या वर्ष 2000 वर्ष 1949 में दोनों देशों के मध्य मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि ने भारत भूटान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी। इस संधि से भूटान के विदेश संबंधों और उनकी रक्षा का दायित्व भारत पर आ गया। आप समझ रहे हैं कि विदेश संबंध और उनकी रक्षा का दायित्व किस पर है? भारत पर। यानी कि भारत का कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा करे। इस संधि को वर्ष 2007 में संशोधित कर जिसमें भारत द्वारा भूटान को स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण के लिए प्रेरित किया गया। वर्ष 1968 में भूटान के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। वर्ष 2018 में राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण भी हुए। भारत के लिए भूटान आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? भूटान भारत का निकटतम पड़ोसी है और दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। द्विपक्षीय भारतीय भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना को दोनों देशों के बीच सीमा की सुरक्षा के लिए की गई है। वर्ष 1971 से भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। संयुक्त राष्ट्र में भूटान जैसे छोटे हिमालयी देश के प्रवेश का समर्थन भी भारत ने ही किया था, जिसके वास्ते इस देश को संयुक्त राष्ट्र से विशेष सहायता मिलती है। भारत के साथ भूटान मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंध भी रखता है। भूटान सार्क का संस्थापक सदस्य भी है, बिम्सटेक और विश्व बैंक और IMF का सदस्य भी बन चुका है आपका भूटान। भौगोलिक स्थिति के कारण भूटान विश्व के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है, लेकिन अब भूटान में ने विश्व में अपनी जगह बनाने का प्रयास भी शुरू किया है। भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में भी भूटान को अचल हिल्स की संज्ञा दी गई है।
यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। चुंबी घाटी से चीन की सीमाएं लगभग 80 मील की दूरी पर है, जबकि भूटान चीन से लगभग 470 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। किससे? चाइना से। ये आप देख रहे होंगे चुंबी वैली, डोकलाम रीजन, सिक्किम, चाइना, भूटान, त्रिजंगसन, यह आपका देखने को मिलेगा। यहाँ बीच में समझ रहे, सिक्किम एक तरफ आपका, भूटान ऊपर, चीन, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ है आपका, समझ रहे हैं? यहाँ यहाँ भी विवाद करने लगा है चाइना। ऐसे में चीन की विस्तारवादी रूप के मद्देनजर भूटान की सीमाओं को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल भूटान को बल्कि उत्तरी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को भी खतरा हो सकता है। भारत और भूटान के बीच 605 किलोमीटर लंबी सीमा है तथा वर्ष 1949 में हुई संधि की वजह से भूटान की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और रक्षा नीति पर भारत का प्रभाव रहा है। भारत और भूटान के बीच सहयोग के क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन हो गया, शिक्षा और छात्रवृत्ति, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, क्षेत्र में स्थिरता और आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, बीबीआईएन यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल परियोजना, चीन क्षेत्र में चीन के भौगोलिक आकार और आर्थिक विस्तार को रोकना, विकास आधारित खुशहाली, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी भूटान और चीन के बीच सहयोग के क्षेत्र है। एक बात और हमेशा याद रखिए कि भूटान, आपने देखा है कि नेपाल भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन वो भी जिस तरह से उसने चाइना का साथ मिला उसे, वो भी एक तरह से हमारे ऊपर ही कटाक्ष करने लगाया। तो एक हमारा अभी हाल में बात करें 2020 में, तो एक हमारा भूटान ही ऐसा देश है जिससे हमारी अच्छी दोस्ती चल रही है। बाकी देशों से आप देख रहे हैं बिगड़ते हुए रिश्ते हमारे दिख रहे हैं। भारत भूटान व्यापारिक परिदृश्य की बात करें तो 15 जुलाई 2020 को भारत भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव भूटा और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोल दिया है। भारत सरकार ने पूर्व में भूटान स्थित पसाखा में एक अतिरिक्त भूमि सीमा शुल्क स्टेशन भी खोला था। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 9,317 करोड़ रुपए का था। इसमें भारत से भूटान होने वाले निर्यात 6,113 करोड़ रुपए, भूटान के कुल आयात का 84%, और भूटान से भारत को होने वाले निर्यात का 3,314 करोड़ रुपए, यानी कि भूटान के कुल निर्यात का ये 78% दर्ज किया गया है। यानी कि एक आयातक भी है, एक निर्यातक भी। भारत से भूटान को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं जैसे खनिज उत्पाद, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, बिजली के उपकरण, धातुएं, वाहन, सब्जी उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुएं आदि शामिल है। अगर भूटान से बात करें भारत को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं की, बिजली, फेरोसिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट, सिलिकॉन, सीमेंट, क्लिंकर, लकड़ी, लकड़ी के उत्पाद, आलू, इलायची, फल आदि। हाइड्रो पावर को ऑपरेशन, भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख उदाहरण है, जो भारत को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है तथा राजस्व अर्जन के साथ साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1,416 मेगावाट की 3 बिजली परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग किया है। ये परियोजनाएं चालू अवस्था में और भारत को विद्युत निर्यात कर रही है। जल विद्युत निर्यात भूटान के घरेलू राजस्व का 40%, उसके सकल घरेलू उत्पाद का 25% से अधिक राजस्व प्रदान करता है, यानी कि इसे जल विद्युत से मिलता है इतना। भूटान के घरेलू राजस्व का 40%, उसके सकल घरेलू उत्पाद का 25% से अधिक। वर्ष 2009 में दोनों देशों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया, जिसमें यह सहमति बनी कि भारत 2020 तक भूटान को 10,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन कराने में सहयोग कर उससे अधिक अधिशेष बिजली खरीदेगा। वर्ष 2019 में भारत व भूटान के प्रधानमंत्री ने मिलकर मांगदेचुपन बिजली परियोजना का उद्घाटन भी किया हुआ था। अध्यात्मिक कूटनीति की अगर बात करें तो भूटान में जोंग धार्मिक मठों और प्रशासनिक केंद्र के रूप में रहे हैं। ऐतिहासिक सिम टोखा जोंग
स्थल के प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के पौधे का रोपण भी किया। भूटान को पर्यावरणीय रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। तिब्बती बौद्ध लामा शब्दरोंग नामग्याल द्वारा वर्ष 1629 में निर्मित सिमटोखा जोंग इस हिमालयी क्षेत्र के सबसे पुराने किलों में से एक है। यह इमारत बौद्ध मठ और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करती है। नामग्याल को भूटान के एकीकृत करने वाले के तौर पर देखा जाता है। इस स्थान को महत्व देकर भारत ने कूटनीति की एक नई विधा आध्यात्मिक कूटनीति की शुरुआत भी की है। भूटान पर आखिर चीन की नजर क्यों है? चीन अपने उत्तरी पड़ोसी भूटान के साथ संबंधों को औपचारिक रूप देने के लिए उत्सुक है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भूटान का अभी भी कोई औपचारिक संबंध नहीं है। चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद भी है। चीन कहता है कि सीमा विवाद को सुलझाने में भारत की कोई भूमिका ना हो, लेकिन भूटान ने साफ कर दिया है कि इस संबंध में जो भी बात होगी वह भारत की मौजूदगी में होगी। और भारत भूटान के बीच हुई ऐतिहासिक संधि चीन को हमेशा खटकती रही है। चीन और भूटान के बीच पश्चिम और उत्तर में करीब 470 किलोमीटर लंबी सीमा है। दूसरी तरफ भारत और भूटान की सीमा पूर्वी पश्चिम, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में 605 किलोमीटर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भूटान में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी रही है। भूटान की सेना को भारत प्रशिक्षण देने के साथ अनुदान भी मुहैया कराता है। भारत भूटान की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी करता है। चीन के इरादे हमेशा से ही अच्छे नहीं रहे हैं। भूटान को आशंका रहती है कि वर्ष 1948 में माओ ने जिस तरह तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, उसी तरह चीन भूटान पर कब्जा भी कर लेगा। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? भारत को भूटान की चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूटान में चीनी हस्तक्षेप बढ़ने से भारत भूटान के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को नींव कमजोर पड़ने का खतरा है। भूटान का राजनीतिक रूप से स्थिर होना भारत की सामरिक और कूटनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि यह कि मात्र की 8 लाख की आबादी वाले देश भूटान की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है और वह काफी हद तक भारत को होने वाले निर्यात पर ही निर्भर है। लेकिन इधर भारत में विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर जैसी घटनाओं ने व्यापार के मामले में भूटान में भ्रम उत्पन्न कर दिया है। इसलिए ऐसे सभी मुद्दों पर दोनों देशों को मिलकर विस्तार से विचार करना होगा, जो दोनों देशों के विकास, शांति और सुरक्षा के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण है। याद रखिए, भारत को विश्वास तो बनाए रखना होगा, फिर चाहे वो नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो या फिर आपके भूटान म्यांमार से हो। एक बार मैप्स में आपको स्थिति दिखाता हूं। देखिए, सोचिए, नेपाल पर चीन जैसा कह रहा है, नेपाल वैसा ही कर रहा है, आपने देखा है। अगर आप सोचिए कि नेपाल भूटान पर भी अगर चीन का कब्जा हो जाता है, तो हमारा यहाँ आपका बांग्लादेश है, तो यहाँ सोचिए वो कल के दिन यहाँ बीच में रोड़ा भी डालने लगेगा, तो हमारा तो उत्तर पूर्वी जो पूर्वी भारत है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके यहाँ तक जाने में हमारा मतलब पूरी तरह से रास्ता खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि चीन जहाँ है उसे वहीं रोक दिया जाए। आप सोचिए कि चीन से हमारी सीमा कभी नहीं लगती थी, हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी, लेकिन आपने देखा है कि चीन ने तिब्बत पर आधिपत्य जमा लिया, उसके बाद हमारी सीमा चीन से लगने लगी। तो ये कहानी थी आपकी भारत भूटान चाइना त्रिकोण की, ठीक है।